हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। एक्चुअली इस वीडियो में कुछ चीजें हैं जिन्हें डिस्कस करने वाली हूँ, जिन्हें बताती चलूंगी जब मैं इसे डिस्कस करूंगी। देखिए, पहले मैं बच्चों को बता दूं, क्योंकि अभी मैंने जो पिछली प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था, मैम कैसे ये फॉर्म भरना है, क्या प्रोसीजर है इसका, हमें नहीं पता है। शायद हो सकता है कि वो, मैंने वैसे तो थर्ड पार्ट था उसका, गूगल फॉर्म का, क्योंकि हो सकता है उन्होंने नहीं देखा और वो इसी वीडियो में विजिट किए हैं कुछ कैंडिडेट्स। तो नए कैंडिडेट्स क्योंकि हर डे बाय डे जुड़ते रहते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं। देखिए सर, आपको कुछ नहीं करना, आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको उसमें गूगल फॉर्म लिंक मिला होगा, क्योंकि मैंने तीन पार्ट बनाई है लैब टीचर्स की। आप किसी भी फर्स्ट सेकेंड पार्ट पे चले जाइए, ठीक है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको रोल नंबर फिल करना है, आपको नेम फिल करना है, आपके तरह आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है, आपको GF या नॉन GF जो भी है आपको वो फिल करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर मेल फीमेल फिल करना है, डोमिसाइल आप MP के हैं या नहीं है ये फिल करना है, और 12th में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस अगर। देखिए फ्रेंड्स, मैं कई दफा बता चुकी हूँ, साइंस में PCM PCB बोथ सब्जेक्ट्स आर एप्लीकेबल। जो लोग मेरी वीडियो पर डेली विजिटर्स हैं उनको अच्छे से पता है साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था। अदर्स उन बच्चों के लिए है जिनके पास कॉमर्स है या आर्ट्स है या कोई और सब्जेक्ट है, रेदर देन द PCB PCM माइक्रो बायोटेक, इन सबके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है जो कि साइंस स्ट्रीम में नहीं आते। यू आर वेल एजुकेटेड और आप सभी को पता है दैट साइंस इज अ टर्मिनोलॉजी जिसके अंडर सब्जेक्ट्स आते हैं। बायोलॉजी इज नॉट कंसिडर एज अ साइंस, बायोलॉजी साइंस नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स आर ऑल्सो कंसिडर इन अ साइंस, बायोलॉजी तो खुद अपने आप में एक टर्म है जो कि साइंस के अंदर आता है, और बायोलॉजी जो है खुद डिवाइडेड है जूलॉजी बॉटनी माइक्रो में, ठीक है। आप सभी को पता है आप वेल एजुकेटेड है सारे के सारे, ठीक है। तो ये ना आपने कुछ लोगों ने कमेंट में मेरे को बोला है अभी जो मैंने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की थी, मैम अदर्स में उन लोगों ने फिल कर दिया होगा जो मैथ्स के, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबको पता है कि साइंस में कौन आता है और मैथ्स में कौन कौन से कैंडिडेट्स आते हैं, ठीक है। अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी तो बताया ना आपको कि साइंस में कौन कौन से कैंडिडेट्स अलाउड हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया अभी भी, वो लोग जो अपना डाटा सबमिट करना चाहते हैं बाकायदा अपना डाटा सबमिट कर सकते हैं, इससे बाकी कैंडिडेट्स को भी हेल्प मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे को कमेंट किया है कि मैम हमें कैसे फॉर्म फिल करना है, हमको उसका लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज शेयर करें। तो मैंने दोबारा शेयर कर दिया है आप सभी के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है ना, मैं इस वीडियो में कुछ कमेंट्स लेना चाहूंगी, ठीक है, तो जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो जिन्होंने प्रेज किया है मेरी वीडियो को, मैं उनके भी कमेंट्स डेफिनेटली लेना चाहूंगी, ठीक है। तो जिसने लिखा है कि मैम आपकी इस लिस्ट से काफी हेल्प मिली है हम लोगों को, इससे एक आइडिया लग रहा है कि कितने कैंडिडेट हो सकते हैं हमसे ऊपर, थैंक्स। तो आपने अप्रिशिएट किया इसके लिए, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये वाकई में उन्होंने सही लिखा है कि इस वीडियो से जो कि आपके लिए मैंने कल रिलीज की थी उससे आप लोगों को थोड़ी बहुत तो है, सबको नहीं मिल पाएगी। देखिए जिनका स्टार्टिंग में ही नंबर उनको तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन जिनका थोड़ा नीचे है उनके ऊपर कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस एज अ सब्जेक्ट का मतलब है PCM एंड PCB, और मैंने ये बात अपनी ऑलरेडी कई वीडियोज में क्लियर की है, तो आप लोग इस चीज में डाउटफुल ना रहे। उसके बाद किसी कैंडिडेट ने बहुत एक अच्छा लिखा है जिससे आप सभी को हेल्प मिल सकती है, उन्होंने लिखा है कि लैब टीचर में पात्रता को लेकर 12th मैथ्स वाले कोई भी कैंडिडेट परेशान ना हो, आप सभी पात्र हैं। प्रमाण के लिए आप किसी भी गेस्ट टीचर जिसका मैथ सब्जेक्ट हो का स्कोर कार्ड देख सकते हैं, उसमें SSS3 लेव में PCM को पात्र दिखाया, आप खुद चेक करें। बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है कि अगर आपको भी डाउट है कि मैथ्स वाले कैंडिडेट एप्लीकेबल है या नहीं है, तो उन्होंने लिखा है कि कोई भी एज उसका सर्टिफिकेट किसी गेस्ट टीचर का हो, तो उसके अगर ऐसे किसी गेस्ट टीचर का जिसके पास सब्जेक्ट के बतौर मैथ सब्जेक्ट हो साइंस में, तो आप उनका स्कोर कार्ड देख सकते हो, उनके पे SSS3 लैब में PCM को पात्र दिखाया, तो इससे आप सभी को हेल्प मिल जाएगी। अगर आपके आसपास कोई गेस्ट टीचर है तो आप लोग देख सकते हो, और जितने भी गेस्ट टीचर हैं जिनके जो मैथ्स के हैं जिनके साथ एक्सपीरियंस है, तो आप प्लीज शेयर करें कमेंट में, ताकि लोगों का जो ये डाउट है मैथ्स को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों का डाउट है कि मैम 2008 का जो रिक्रूटमेंट था लैब टीचर्स का उसमें किसी ने बोल दिया है कि सिर्फ साइंस को लिया गया, तो बच्चे और कंफ्यूज हो गए, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, ठीक है। किसी ने लिखा है, हाँ किसी ने एक और कैंडिडेट ने कमेंट किया है,
हाँ मैम, मैंने 2 बार फिल फॉर्म कर दिया था, उन्होंने कुछ बोला है। उसके बाद उन्होंने लिखा है मेरे ऊपर 45 लेडीज इन जनरल की जिनका जिला चयन में नाम आया था पर स्कूल चॉइस लिस्ट में नहीं आया था, तो शायद ये वीडियो उन तक नहीं पहुंच पाई है क्योंकि बहुत कम लेडीज ने फॉर्म फिल किया है। प्लीज सभी लोग वीडियो शेयर करें ताकि हम सभी की परेशानी दूर हो, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ा सा ग्रीट किया है कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बिल्कुल उन्होंने सही कहा है अपनी कमेंट में कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाई होगी। हो सकता है वो हमारे डेली विजिटर्स ना हो या सब्सक्राइबर्स ना हो, उनके पास नोटिफिकेशन ना गया हो। अगर आपकी नॉलेज में ऐसे लोग हैं तो आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड। इसके शेयरिंग से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इससे बेनिफिट डायरेक्टली सा है तो आप लोग ये करें। बहुत अच्छा जिसने लिखा है, उन्होंने सही कहा, आप इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिन जिनके कमेंट्स बताने के लिए तो मैं उन्हें बता रही हूँ। और मैं देखती हूँ और किसी के कमेंट्स, और बाकी सबने मुझसे डायरेक्टली कमेंट किया है कि मैम हमारा हो सकता है नहीं हो सकता। तो देखिए मैं उनके ऊपर अगर कोई अदर वीडियोस अपलोड करूंगी तो मैं आपको डेफिनेटली ये बताऊंगी। किसने लिखा है कि मैम ये लिस्ट कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम लिंक कहाँ से मिलेगा? देखिए फ्रेंड, तो ये लिस्ट अभी जो मैंने कल रिसेंटली जो लिस्ट अपलोड की है फ्रेंड्स, आप उसी वीडियो को खोलें, उसके नीचे ना मैं इस वीडियो में भी उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वरना आपकी जो कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी आप उसी वीडियो को खोलें, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, आपको पीडीएफ फॉर्म में पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है टेलीग्राम पर मैं नहीं डालती हूँ ये सब, मैं आपकी सुविधा के लिए वही, क्योंकि हर किसी के पास टेलीग्राम जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे तो मैं इसलिए अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाल देती हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक पा सकते हैं, और रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें आप इसके पीडीएफ का जो लिंक है उसे पा सकते हैं। देखिए एक व्यूअर ने मुझे कुछ कमेंट लिखा है, वो मैं आप सभी को पढ़कर सुनाना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है ये फालतू है, ठीक है, ये हो सकता है इसमें मेरा जो है डेप्रिशिएशन हो रहा हो, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़कर जरूर सुनाना चाहूंगी। उन्होंने लिखा ये फालतू है, ओनली वेटिंग वालों को बनाना था, वो भी लास्ट मेरिट वाले से लास्ट वेटिंग वाले तक, और आप बोल रहे हैं कि बीएड वालों को लेंगे। मुझे नहीं लगता बीएड वालों को आपने राजस्थान वालों लैब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाया था, आपको पता होना चाहिए वहां पर बीएड वाले प्राइमरी में नहीं लिए और एमपी में लिए हैं। कृपया सही मार्गदर्शन करें, गलत नहीं बताएं, व्यूज बढ़ाने के लिए बीएड वालों की भावना के साथ खिलवाड़ ना करें। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी डेली व्यूअर या विजिटर को मुझे इस जो एक्सप्लेनेशन जो इन्होंने लिखा है कमेंट, इसके एक्सप्लेनेशन की देने की जरूरत है, अगर जो डेली मेरी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। उसके ऊपर किसी ने 5 कमेंट्स भी किए हैं जो कि शायद किसी ने किए, तो उन्होंने काफी अच्छे से ऑलरेडी उन्हें समझा दिया है, मैंने उनके कमेंट्स अभी रीड किए, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया उन्होंने बहुत अच्छे से उन भाई साहब को समझा दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से उन्हें समझा दूं, उनको जो डाउट्स उनके डाउट्स दूर कर दूं। ऐसे सेम डाउट अगर आप में से किसी को है, होने नहीं चाहिए अगर आप लोग मेरे डेली विजिटर्स हैं, लेकिन फिर भी आप में से किसी को है तो मैं एक बार और क्लियर कर दूं। पहली बात, भाई साहब जिन्होंने भी कमेंट लिखा है, नाम मैं उनका नहीं लूंगी बिल्कुल भी, लिख दिया ये उनकी अपनी चॉइस है, अपनी थिंकिंग है, व्हाटएवर उन्होंने लिख दिया। उन्होंने बोला ये फालतू है, ओनली वेटिंग वालों का बनाना था, वो भी लास्ट मेरिट वाले से लास्ट वेटिंग वाले तक। तो भाई साहब ऐसा है, मैं जितनी लिस्ट बना सकती थी, जितनी लिस्ट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर सकती थी मैंने कर दिया, और मुझे लगेगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए आप कैंडिडेट्स की हेल्प के लिए तो वो मैं करूंगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लास्ट वेटिंग वालों से लास्ट वेटिंग वालों तक बनाना इतना इजी होता है, तो इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं जो एमपी वर्ग 3 से रिलेटेड है, किसने बनाकर दे दिया आपको, पहले आप मुझे ये बताएं। और उन पर आप डेली व्यूज दे रहे होंगे, हजारों में व्यूज दे रहे होंगे, लेकिन किसने आपको बनाकर दे दिया पहले तो आप मुझे ये बताएं, अगर बनाना इतना आसान है तो। लेकिन फिर भी आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले, मैंने फिर भी पिछले डीपीआई के बच्चों के लिए इतनी कोशिश कर बनाया था, ठीक है। पहली बार अगर इतना आसान है तो आप खुद प्रिपेयर कर ले, हम तो खुद टीआरसी से लेते हैं, आप भी टीआरसी से ले ले सारी इन्फॉर्मेशन, और आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर हमारे जैसे फालतू चैनल को देखने के लिए, ठीक है, तो आपका टाइम भी इससे बच जाएगा। दूसरा उन्होंने बोला है आप बोल रही हैं बीएड वालों को लेंगे, मुझे नहीं लगता। देखिए भाई साहब अगर आपको नहीं लगता है कि बीएड वालों को लेंगे और ऐसा लग रहा है कि मैं इनको इंक्लूड कर रही हूँ और इसलिए इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, हाईकोर्ट जाइए कि आप बीएड वालों को क्यों ले रहे हैं, हमें तो इतना पता है कि इस भर्ती में लिया जाएगा और ब्रिज कोर्स को अलाउ किया जाएगा, जो कि फिलहाल प्रैक्टिकली बेहतर नहीं है, लेकिन इस भर्ती में तो बीएड और बीटीसी वाले दोनों कैंडिडेट अलाउड हैं,
और मैंने ये किसी भी वीडियो में नहीं बोला जहां तक मेरी नॉलेज है कि बीएड वाले अलाउड नहीं है, बीटीसी वाले अलाउड है। मैं ऐसे टॉपिक्स छेड़ती ही नहीं हूँ, चाहे वो किसी चीज के लिए मैं बिल्कुल फैक्ट बातें करती हूँ। अगर मैं रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में भी कुछ बोलती हूँ, अगर मुझे लगता है कि किसी चीज में जनरल को लॉस हुआ है, तो विदाउट एनी फियर मैं बोलती हूँ कि हाँ, अदर कैटेगरीज को फायदा होता है, जनरल को लॉस होता है। इसका मतलब ये नहीं दैट आई एम सपोर्टिंग इन जनरल और आई एम अगेंस्ट फ्रॉम द आई एम अगेंस्ट टुवर्ड्स द रिजर्वेशन सिस्टम, नहीं, नेवर। लेकिन जिसको लॉस है, फैक्ट तो फैक्ट है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि बीएड वालों को नहीं लेंगे, लेंगे, ये तो पूरी भर्ती के हर इंसान को पता है। आप पता नहीं कहाँ रह गए। दूसरा, उन्होंने बोला है कि आपने राजस्थान का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो दिखाया था आपने, उसमें आपने बीएड वालों को इंक्लूड कर लिया प्राइमरी में, बल्कि राजस्थान में बीएड वालों को नहीं लिया जाता। देखिए फ्रेंड, और स्पेशली जिन्होंने कमेंट किया उनके लिए, देखिए मैंने जो अपने लैब टीचर्स का दिखाया था पहली बार, उसमें मैंने बीएड बीटीसी को तो डिस्कस ही नहीं किया था। अगर आप मेरी वीडियो 10 बार भी देखेंगे और आपको एक वर्ड मिल जाए बीएड बीटीसी से रिलेटेड, तो आप मेरे को आके दोबारा कमेंट कर देना। मैंने सिर्फ वहां पर आपका एक डाउट कम किया था, वो ये कि साइंस एज अ सब्जेक्ट लैब टीचर्स में किस किस सब्जेक्ट को कंसीडर करता है। वहां पर मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि बायोटेक, माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सारे के सारे साइंस स्ट्रीम में आते हैं लैब टीचर्स के लिए। मैंने सिर्फ वहां पर ये डाउट क्लियर किया है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे डेली विजिटर्स हैं, उनमें से किसी ने ये कमेंट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं अपनी वीडियो में बीएड बीटीसी को लेकर। तो आज तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, पहली बार। दूसरा, मैंने सिर्फ उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही डिफाइन किया है, कि मैंने उसमें क्वालिफिकेशन या उसको भी डिफाइन किया, मैंने सिर्फ ये लैब टीचर्स के लिए पर्टिकुलर कौन सा सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है वो उसमें बताया है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि राजस्थान में तो बीएड वालों को लेते नहीं प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो राजस्थान में इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनके हाईकोर्ट में ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि प्राइमरी टीचर्स के लिए बीटीसी अलाउड है, और जो सेकंड या एट तक के जो है सेकंड लेवल, वहां पर लेवल वन लेवल टू करके होता है, तो लेवल टू के लिए जो है वहां पर बीटीसी प्लस ग्रेजुएशन के पास डीएलएड यानी ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी हो, और बीएड वाले वो लोग अलाउड है, वहां पर ये है। तो वहां पर ऑलरेडी ये चीज जो है हाईकोर्ट में डिस्कस हो चुका है, लेकिन एमपी में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, तो एमपी में लेंगे, ठीक है। उन्होंने फिर बोला है कि आप सही मार्गदर्शन करें, गलत नहीं बताएं। तो जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी कैंडिडेट को गलत मार्गदर्शन किया है। इनफैक्ट मैं तो आपके लिए राजस्थान का तक वहां से आरपीएससी से डाउनलोड करके लेकर आई थी, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे बहुत स्ट्रेस में, तो 12 पूछते मैं मैथ्स वाले अलाउड है नहीं है, उनके लिए मैंने डाउनलोड किया। उसके बाद भी जो भी मैं कर रही हूँ, या तो टीआरसी से उठाकर लेकर आती हूँ, या आप लोगों का पोल कंडक्ट करा के करती हूँ गूगल फॉर्म, मैं क्या गलत मार्गदर्शन करूंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है भाई, तो इतने सारे YouTube चैनल है, why are you wasting your time? आप किसी पर्टिकुलर YouTube चैनल पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं सर? उसके बाद उन्होंने लिखा है कि आप व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना भी YouTube की पॉलिसी नहीं पता आप सभी को, कि व्यूज तब मायने रखते हैं जब आपके सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो। मेरे सब्सक्राइबर आप देखिए 900 समथिंग है, ठीक है। मेरा तो मुझे लगता है वर्क ठीक है, अगर कंपेयर करूं मैं सभी के यूट्यूब चैनल्स का, तो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा होने का ये रीजन नहीं है कि मैं कंटेंट अच्छा नहीं, रीजन है मेरा चैनल बनाई डेढ़ दो महीने पहले है, तो जितने सब्सक्राइबर मिले वो तो मेरे को बहुत अच्छा है मिले, अप्रिशिएट कर मिले हैं मेरे को, ठीक है। तो मेरे चैनल को टाइम क्या हुआ है, डेढ़ दो महीने, तो इसमें मेरे को इतना मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है, तो मेरे को इस चीज का कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और व्यूज बढ़ाने के लिए भाई साहब, व्यूज बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप डेली बाय डेली कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो सेंसलेस है। मैं ऐसा कुछ डाल ही नहीं रही हूँ। मैं कुछ भी उठाकर न्यूज़पेपर की कटिंग उठाकर नहीं डाल देती। मैं कोई भी कहीं पर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, न्यूज में चलती हुई, इसका वीडियो अपलोड किया, वहां से डाउनलोड किया और यहाँ पर अपलोड कर दिया, मैं ऐसा नहीं करती। इससे व्यूज बढ़ते हैं, आपकी 2 मिनट से वीडियो से बस आपकी प्रगति चल रही है, आपका ये हो रहा है, आपका वो हो रहा है। मैं ऐसी वीडियो डालती नहीं हूँ, मैं जो वीडियो डालती हूँ उसमें मेहनत दिखाई देती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश, अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो अप्रिशिएट करने का हक मैं एटलीस्ट आपको नहीं देती अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियो से प्रॉब्लम, बिल्कुल डिसलाइक ना करें, बिल्कुल सीन ना करें। अगर आपके एक व्यू से अगर आपको लगता है फर्क पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल ना दें वो व्यू। अगर जिनको जरूरत है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैंने डीपीआई वाले बच्चे में स्टार्टिंग में बनी हुई थी, मैंने उनके लिए कितनी लिस्ट अपलोड की थी, किसी भी यूट्यूब चैनल ने इतनी लिस्ट बना बना कर अपलोड की हो मर्ज करके, तो आप मुझे बता देना आकर मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी भी कोई भी आपके मुद्दे को इस तरीके से डिस्कस कर रहा हो, भले ही मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन मैं अपने छोटे प्लेटफॉर्म से भी बड़े काम करने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। गूगल फॉर्म मैंने भरवाया, ऐसा नहीं था कि मैंने ये कहा हो कि आप मेरा गूगल फॉर्म भरेंगे तो 5 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी मैंने 3 पार्ट अपलोड किए कि ये शायद चौथा मान लीजिए आप इसको, सिर्फ आपको ये इंसिस्ट करने के लिए आप गूगल फॉर्म भरें।
जरूरी नहीं है जो गूगल फॉर्म भर रहा हूँ वो मेरा सब्सक्राइबर ही हो, ठीक है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, या गूगल फॉर्म पर वो जाकर विजिट करें तो उससे मेरे को कोई बेनिफिट मिल रहा हो, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बार बार मैं आपको बता दूंगी कि इसको ऐसे भरा जाएगा, इसको ऐसे भरा जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके के कमेंट एटलीस्ट ना लिखें, क्योंकि आई एम नॉट अंडर यू एंड यू आर नॉट वर्किंग अंडर मी, मैं आपके अंडर वर्क नहीं करी, मेरा लिबरल यूट्यूब चैनल है, मैं लोगों की सिर्फ हेल्प करने की कोशिश करी, कुछ भी गलत मैंने आज तक नहीं बताया। लगता है आप लोगों को कि कुछ गलत बताया तो आप बकायदा लिखेंगे इस अंदाज में ना लिखें, ठीक है, जिस अंदाज में आप लिखा। दूसरा, इस वीडियो के कमेंट में तो ऐसा नहीं आया, लेकिन मेरे को प्रीवियस वीडियो के कमेंट में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आप लैब टीचर को कुछ बढ़ा चढ़ाकर बता रही है कि वो इतनी अच्छी जॉब है, ये है वो है, आप बच्चों को फालतू में मोटिवेट कर रही है लैब टीचर्स के लिए। लैब टीचर्स एक सर्वेंट की तरह होते हैं, नौकर की तरह होते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरी पिछली जो वीडियोज है उनमें देखे लैब टीचर्स के बारे में मैंने बताया, उसमें किसी भाई साहब ने कमेंट किया और इनफैक्ट उन्होंने 10 बार कमेंट किया ये बात बोलकर कि लैब टीचर सर्वेंट की तरह होते हैं, नौकर की तरह होते हैं, आप बच्चों को गलत मोटिवेट करिए, कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तो भाई साहब अगर आप नहीं जाना चाहते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और आप कैसे किसी टीचर को सर्वेंट नौकर ऐसा कुछ बोल सकते हैं। पहली बात, आपको जॉब की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ना लें, आप डीपीआई में ले लें, किसी और जगह ले लें, लेकिन जिनको जरूरत है उनको आप ऐसे भ्रमित आप लोग कर रहे हैं, खुद को आप ऐसे नहीं भ्रमित कर रहे, आपका खुद का सिलेक्शन आप पीडब्ल्यूडी के लिए बैठे हैं और आप दूसरे बच्चों को ये बता रहे हैं कि नहीं लैब टीचर्स की जॉब ऐसी आप इसे ज्वाइन ना करें, बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। लैब टीचर्स की जॉब बुरी नहीं है, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी है, क्योंकि सब्जेक्टिव पीरियड्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे 8 या 7 हो सकते हैं किसी स्कूल में, लेकिन लैब टीचर का पूरे टाइम में 1 या 2 ही पीरियड होता है। अगर सारी क्लासेस भी आ जाए ना, जैसा था 4 या 5 पीरियड हो जाएंगे और आपको सिर्फ बच्चों को बताना होता है, अच्छा ये करना, उसके बाद आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, बाकी सारा काम बच्चे खुद कर रहे, तो भी सब्जेक्ट टीचर वहां पर मौजूद होता है, ठीक है। अगर आपने कभी स्कूल्स में 12th तक या 10th तक की स्कूल्स में आपने अटेंड किया हो लैब, तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट का टीचर सर पर खड़ा होता है और लैब जो असिस्टेंट या लैब टीचर होता है वो साइड में खड़े होते हैं, वो बच्चों को सिर्फ सारे बैसल से सबको समझाने के बाद वो वहीं खड़े होकर बस ऑब्जर्व करते हैं। तो ये लैब ये जॉब तो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप खुद को आपस में भ्रमित ना करें, आप मेरे को तो तब बोलिएगा। दूसरी बात, बात रही व्यू बढ़ाने की, तो फ्रेंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है यूट्यूब आई एम ऑलरेडी अपॉइंटेड एज अ वेरी गुड पोस्ट, मेरे पास ऑलरेडी मैं अपॉइंटेड हूँ एक गवर्नमेंट टीचर के तौर पर, तो मेरे को जरूरत नहीं है ऐसे, मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो आप और मैं अपने बारे में प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देखेंगे थोड़ी बहुत मैं जो अलग डालती हूँ वर्ग चीजें, उनमें मैं बताती रहती हूँ अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं कौन हूँ। अगर आप मेरी पिछली वीडियो भी देखेंगे जो कि मैंने आर्मी स्कूल से रिलेटेड डाली, उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत अपने आप के बारे में बताया है, लेकिन अपने आप के बारे में बताकर मैं करूंगी क्या, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, खुद के लिए मैं यूट्यूब चैनल नहीं चला रही कि मैं खुद को रिप्रेजेंट करूँ। बीच में जब जरूरत पड़ती है मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अगर आप एप्रिशिएट नहीं कर सकते भाई साहब, तो आप डिस्क्रिमिनेट ना करें, किसी को डेप्रिशिएट ना करें। बीएड बीटीसी वालों में आप डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हैं, मैं कहाँ फैला रही हूँ, आप खुद आकर बोल रहे हैं ये बात। फिर भी कुछ व्यूअर्स ने आकर उन भाई साहब के लिए कमेंट्स किए हैं, उसके लिए मैं उन व्यूअर्स का थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने भी किए हैं कमेंट्स, उन्होंने उनको समझा दिया है, ठीक है। तो भाई साहब ऐसा है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो बाकायदा मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं अपने चैनल के थ्रू मैंने बहुत दफा कहा है ये सिर्फ एक हेल्पिंग पर्पस से बनाया गया है, सब्सक्राइबर लाइक्स, ठीक है, मैं इसलिए मांगती हूँ क्योंकि हर यूट्यूब चैनल जो भी बनाता है उनका होता है कि आप हमें लाइक करें ताकि हमारा एप्रिशिएशन बढ़े, हमको भी अच्छा लगता है जब आप हमें लाइक करते, अच्छा हमारी इस वीडियो पर इतनी लाइक है, अच्छा लोगों को पसंद आया, इसका मतलब ये, ठीक है। तो आप लोग आगे से इस बात का ध्यान रखें, मैं इस जो भी ऐसे कमेंट्स आते हैं मैं चाहूंगी तो उनको हाइड या रिमूव कर सकती हूँ। जैसे आप लोग बहुत सारे आकर मेरे को कहेंगे कि मैम आप ऐसे जो कमेंट करते हैं उनको आप इग्नोर करें, या फिर आप उन्हें हाइड कर दें, या फिर आप उन्हें रिमूव कर दें, आप कह सकते हैं, लेकिन देखिए फ्रेंड्स इससे कोई फोन नहीं हो जाएगा। अब मैं उनको रिमूव कर दूं बाय चांस अपने यूट्यूब चैनल से, तो उनको फिर मेरी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। अब फिर उससे क्या होगा ना, उससे मेरे को उनका एक व्यू का लॉस नहीं होगा, एक व्यू तो मेरे को किसी और से मिल जाएगा, लॉस उनका ये होगा कि कल को उनकी कोई प्रॉब्लम हुई और अगर वो मेरे यूट्यूब चैनल पर वो पर्टिकुलर टॉपिक डला है तो उनको वीडियो नहीं मिलेगी, वो फिर देख नहीं पाएंगे ना, वो हर जगह से मेरे यूट्यूब चैनल से ही रिमूव हो जाएंगे तो वो देख नहीं पाएंगे और उनको हेल्प नहीं मिल पाएगी। मोटिव तो हमारा ही है, जो मोटिव ही पूरा नहीं हो रहा तो फिर फायदा ही क्या, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, जिन्होंने नहीं भराया वो उसको भर सकते हैं, और अगर मेरे पास और ज्यादा डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो मैं दोबारा वीडियो लेकर आ जाऊंगी फ्रेंड्स, और मैं कोशिश करूंगी कि पर्टिकुलर जब तक कि आपका TWB का कोई भी चीज जो है वो नहीं निकलता है, कोई भी पोर्टल पर अपडेट नहीं आती है, तो मैं कोशिश करूंगी बाकायदा पूरी कि आप लोग के लिए कैटेगरी वाइज कैटेगरी
मैं जो है बेटिंग बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि देखिए उन्होंने तो लिख दिया आप बनाना था, तो इतना इजी नहीं होता बनाना, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग खुद देख सकते इतने बच्चे हैं, हजारों में बच्चे हैं, ठीक है। आपको प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी फिर भी कि आगे मैं ला पाऊं ऐसी वीडियोस, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो, ठीक है। हमारा भी स्केड्यूल इतना फ्री नहीं होता है, लेकिन उसके बीच में अगर आपको वीडियोस देनी होती हैं तो हम दे देते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी बकायदा। और जिन कैंडिडेट्स ने नहीं भरा है वो प्लीज गूगल फॉर्म को भरे, और अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी हो तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आप अपना कमेंट लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। आप अपनी क्वेरीज, हमने क्या बोला, आपकी क्वेरीज के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला रहता है। हम कभी ये नहीं बोलते कि हमारे डेप्रिशिएशन के लिए आपका कमेंट बॉक्स खुला रहता है, ठीक है, नो नेवर, ठीक है। तो आपकी और कोई क्वेरी हो फर्दर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो डेफिनेटली लाइक करें विदाउट एनी हेजिटेशन, हम तो ये बोलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखिए शेयर बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स के साथ शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि जैसा एक व्यूअर ने कमेंट में लिखा कि मैम ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके पास नहीं पहुंची होगी तो वो गूगल फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा कम रेस्पॉन्स आया गर्ल्स का, तो आप शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। हम अगर हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपके लिए फिर से एक अगली वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।